हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एमपी पटवारी का जो 16 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसके मुझे क्वेश्चंस मिल गए हैं। तो अभी इस वीडियो में सारे प्रश्न देखने वाले हैं हम जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। जो भी मेरा दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, हमारे चैनल पर पहली बार आया है, तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके घंटी का आइकन को ऑन रखे दोस्त, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आती रहे एमपी पटवारी से रिलेटेड, उनका मैसेज आपके पास पहुँचते रहे और आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, जब आप नीचे रेड कलर का बटन दबा लेते हैं, उसके साइड में घंटी का आइकन आता है, आपको वो भी दबाना होता है। उसके बाद ही आपके पास मैसेज आने स्टार्ट होते हैं। घंटी का आइकन ऑन होने के बाद में उसके ऊपर दो टिक आ जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ लाइक शेयर दोनों कर दें यार, दोनों। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। बीना रिफाइनरी किस जिले में है? सागर जिले में है। ठीक है दोस्तों, भिंड में पृथ्वीराज चौहान ने कौन सा मंदिर बनवाया? वंकदेश्वर, आपका ये मंदिर बनवाया है पृथ्वीराज चौहान ने। वनडे क्रिकेट में सबसे पहले हैट्रिक लगाने वाला कौन था? जलालुद्दीन, पाकिस्तान का ये क्रिकेटर था। 26 जनवरी 2017 को गणतंत्र दिवस पर भारत में कौन से मेहमान आए थे? तो ये आपका आज क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये करंट से क्वेश्चन था। मैं पहले भी आपको बोला है, जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाएगा। तो कौन थे? शोक मोहम्मद बिन जायद अल नेहान। भारत का दाल अनुसंधान कहाँ पे है? कानपुर में है। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार मिलता है? 150 दिनों का। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, SHG का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है दोस्तों, मनरेगा में कार्य का विवरण कौन रखता है? ग्राम पंचायत। शिवपुरी का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? सेसई कोलारस में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, बड़वानी का मुख्य किला कौन सा है? किला सेंधवा। युद्ध दिवस कब मनाया था? 12 अगस्त को। भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में। ये आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे, तो आप इन क्वेश्चन से क्या समझ रहे हैं? जो क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करें, ना कि और इधर उधर ज़्यादा ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, तो आपका और अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा, आशा करता हूँ आपके एग्ज़ाम अच्छा ही हो। पंचायतों में चल रहे कार्य का निर्णय कौन लेता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शुद्ध शब्द छांटिए, ब्रह्मा, जिज्ञासा। ठीक है, ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये हो गया आपका 16। 9/2/11 हो जाना मुहावरे का अर्थ? ठीक है, आप ये मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताओगे। विभात्य का स्थाई भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। ठीक है, ये मुझे सही बताना है, ठीक है क्या? और आप 18 जो आपका क्वेश्चन है इसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। दीनदयाल योजना कहाँ से प्रारंभ हुई थी? और इसका भी, प्रधानमंत्री सड़क योजना कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ठीक है दोस्तों, और आपका 2012 में भारत में कितने पशुधन थे? तो 512.5 मिलियन पशुधन थे 2012 में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, पशु के लिए बनाने वाले कार्ड को क्या कहते हैं? तो ये मुझे मिला नहीं, आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं अगर आप किसी को पता है। इनमें से कौन सा कार्य मृदा विभाग का नहीं है? तो ये कार्य देखकर ही पता चलता है, ऑप्शन देख करके। इनमें से कौन सा कार्य पंचायत का नहीं है? ये भी आपका ऑप्शन देखकर ही पता चलता है। ठीक है, आपको मेनली पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आंसर पे आप ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले हैं आपके। जो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये एरिया है क्वेश्चन पूछे जाने का, पर ये क्वेश्चन तो मुश्किल है रिपीट होना। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। भारत में सर्वाधिक चीनी किस राज्य में होती है? वो है उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेलखंडी। ठीक है, ये आपके आज के प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। बाकी जो और प्रश्न मुझे मिलते हैं
वो मैं आपको कल मॉर्निंग में, जितने भी और क्वेश्चन मुझे कलेक्ट होते हैं मैं वो मॉर्निंग में बता दूंगा। और आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपका किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी पर्सन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आपके वीडियो के लिए क्या राय है आप वो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और जो हमारे दोस्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके हमारे साथ में जुड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और आपके जो सामने चार वीडियो, आप ये भी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।